हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां का एयरपोर्ट दुनिया की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक है। और दोस्तों, इस देश में चिकन खाना अपराध है, अगर कोई खाते पकड़ा गया तो उसका जेल जाना पक्का है। और यही नहीं, इस देश में कबूतरों को दाना खिलाना भी गैर कानूनी है। और साफ सफाई की बात की जाए तो यह देश साफ सफाई में टॉप देशों में आता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर देश की, तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस देश के बारे में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में से एक है और सिंगापुर के क्षेत्रफल में एक मुख्य द्वीप, 63 उपद्वीप और टापू शामिल है। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर मलेशिया से विभाजित होकर एक अलग राष्ट्र बना। इन दोनों के बीच आर्थिक मतभेद और सांप्रदायिक तनाव के कारण सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया गया। मेरलोन सिंगापुर का आधिकारिक शुभ अंक या प्रतीक है। इसे एक शेर के सिर और मछली के शरीर वाले पौराणिक प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। सिंगापुर दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश है और एशिया का पहला सबसे अमीर देश है। सिंगापुर की संपत्ति का श्रेय भ्रष्टाचार पर रोक और व्यापार अनुकूल अर्थव्यवस्था को जाता है। सिंगापुर में अपराध दर कम, सख्त और प्रभावी कानून प्रवर्तन के कारण यह दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देशों में से एक है। सिंगापुर के संविधान के हिसाब से इसकी राष्ट्रीय भाषा मल्य है। सिंगापुर में 4 आधिकारिक भाषा भी बोली जाती है, जिसमें से अंग्रेजी, चीनी, तमिल और मल्य भाषा शामिल है। सिंगापुर वासी अक्सर आपस में सिंग्लिश बोलते हैं। सिंग्लिश वास्तव में स्थानीय लोगों की भाषा है, जो इंग्लिश का अनौपचारिक बोलचाल का रूप है, जिसका सिंगापुर में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो अंग्रेजी भाषा के शब्दों का सबसे पुराना शब्द कोश है, इसमें सिंग्लिश भाषा के कुल 27 शब्दों ने जगह बनाई है। सिंगापुर की आबादी के 74% लोग चीनी और 13% मल्य, 9% भारतीय और बाकी अन्य है। सिंगापुर में सबसे अधिक पालन किया जाने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। इस धर्म को मानने वाले बड़ी संख्या में चीनी है। साल 1905 के बाद से सिंगापुर ने अपना टाइम जोन 6 बार बदला है। वर्तमान समय में इसका टाइम जोन GMT+8 है, जो जनवरी 1982 से सिंगापुर स्टैंडर्ड टाइम लागू है। दोस्तों, सिंगापुर का झंडा सफेद और लाल रंग का है। सफेद रंग सद्गुण और पवित्रता का रंग है, जबकि लाल रंग वैश्विक स्तर पर मानवीय समानता और भाईचारे का प्रतीक है। 5 सितारे लोकतंत्र, समानता, शांति, प्रगति और न्याय के प्रतीक है। दोस्तों, हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगापुर में बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई पर भी नियंत्रित किया जाता है। सिंगापुर में ऊंची इमारतों की अधिकतम सीमा 280 मीटर तय है। सिंगापुर में 100 से ज्यादा गगनचुंबी इमारतें हैं, जिसमें वर्तमान समय में गुआओको टावर सिंगापुर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस 283.7 मीटर ऊंची इमारत को ऊंचाई प्रतिबंध से छूट दी गई है। दोस्तों, सिंगापुर हरियाली और जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ एक अनोखे वांडा मिस जोआ किम नाम के फूल को उसके लचीलेपन और साल भर खिलने की गुणवत्ता के आधार पर राष्ट्रीय फूल का दर्जा प्राप्त है। सिंगापुर का राष्ट्रगान मल्य भाषा में है। संपूर्ण राष्ट्रगान सिंगापुर के $1,000 के नोट के पीछे की ओर माइक्रो टेक्स्ट में भी मुद्रित किया गया है। सिंगापुर के $1,000 का नोट वर्तमान समय में अमेरिका के लगभग $750 के बराबर और भारत के लगभग ₹62,500 के बराबर है। सिंगापुर के $5 के नोट पर टेम्बुसु नाम के पेड़ का चित्र छपा हुआ है। यह पेड़ वास्तव में 200 साल पुराना जीवित पेड़ है, जो अभी भी सिंगापुर के वनस्पति उद्यान में खड़ा है। यह इस देश के लिए बहुत गर्व का विषय है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह और दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। दोस्तों, सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन और खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक है। यहाँ पर विशाल इंडोर वाटरफॉल, वर्टिकल गार्डन, रेस्टोरेंट की सुविधा मौजूद है। इस एयरपोर्ट पर दिन के 24 घंटे मुफ्त में फिल्म देखने के लिए मूवी थिएटर भी है। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के लगभग 380 शहरों के लिए उड़ान भरने वाली 100 से अधिक एयरलाइनों की सेवा प्रदान करता है। सिंगापुर के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है, क्योंकि सिंगापुर वासी बिना किसी वीजा के दुनिया भर के 192 देशों की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के मामले में दूसरे स्थान पर स्पेन, जर्मनी और इटली है। सिंगापुर के कानून के अनुसार सभी स्वस्थ और सक्षम पुरुषों को 18 वर्ष की आयु होने पर
पर 2 साल की राष्ट्रीय सेवा के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। ऐसा ना करना या इनकार करना एक अपराध माना जाता है। परिणाम स्वरूप 3 साल की जेल की सजा या $10,000 का जुर्माना हो सकता है। सिंगापुर में चिग्गम पर प्रतिबंधित है। सिंगापुर के कानून के मुताबिक यहाँ पर चिग्गम की खरीद बिक्री या व्यक्तिगत उपयोग करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करता है तो यहाँ पर इसके लिए मोटे तौर पर जुर्माना देना पड़ता है। सिंगापुर में गंदगी फैलाना या कचरा फेंकना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पर पहली बार अपराध के लिए $300 का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों, सिंगापुर में कार खरीदना बेहद मुश्किल प्रक्रिया है। सिंगापुर में कार खरीदने के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। करों और आयात शुल्कों के साथ इस प्रणाली के कारण सिंगापुर कार खरीदने के लिए दुनिया का सबसे महंगा देश है। सिंगापुर में लगभग हर जगह धूम्रपान वर्जित है। सिंगापुर में धूम्रपान करने का एकमात्र सुरक्षित जगह घर और धूम्रपान कक्ष है। यदि आप सिंगापुर में बिना अनुमति के किसी भी असुरक्षित बिना पासवर्ड वाले वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो इसे हैकिंग माना जाता है और परिणाम स्वरूप आपको दंड भी दे सकते हैं। वन्य जीव अधिनियम के तहत पक्षियों को दाना खिलाना सिंगापुर में गैर कानूनी है, क्योंकि लिखित मंजूरी के बिना वन्य जीवों को खाना खिलाना अपराध है। सिंगापुर के कानून के मुताबिक स्टेशनों, ट्रेनों, बसों या किसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में कुछ खाना और पीना गैर कानूनी है। इसके लिए आपको $500 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों, सिंगापुर सिलिंग सिंगापुर का एक पॉपुलर और नेशनल ड्रिंक है। इसे पहली बार 1915 में प्रतिष्ठित रफाल्स होटल में बनाया गया था। सिंगापुर के शॉपिंग मॉल सन सिटी में स्थित है। द फाउंटेन ऑफ द वेल्थ को 1998 में गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा फवारा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा फवारा दुबई फाउंटेन है, जो UAE के दुबई में स्थित है। दोस्तों, सिंगापुर का कैसिनो या जुआ बाजार बहुत बड़ा है। अपने कैसिनो से उत्पन्न हुए राजस्व के मामले में सिंगापुर दुनिया के 10 शीर्ष देशों में से एक है। सिंगापुर में उपयोग किए जाने वाले भोजन का केवल 10% सिंगापुर में उत्पादित होता है। शेष 90% भोजन को अपने पड़ोसियों और 170 से ज्यादा देशों से आयात करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।